सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज आप लोगों का जैक दिल्ली का राउंड 5th का रिजल्ट आने वाला है और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज्यादा डरे हुए हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अलग अलग चीजें पूछ रहे हो, जिसका अनफॉर्चुनेटली मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा कि भैया हमारी सीट कब अपग्रेड होगी। भैया हमें अभी तक फर्स्ट राउंड से लेके 5th राउंड के बीच में, अभी जो 4th राउंड हुआ है, अभी तक हमारी ब्रांच में कोई अपग्रेड नहीं आया है। जो कॉलेज, जो ब्रांच हमें 2nd राउंड में मिला था, वही हमारा अभी इस राउंड तक भी है। तो भैया आगे आने वाले राउंड्स में क्या होगा? क्या हम अपनी सीट को फ्लोट पे रखें, फ्रीज पे रखें, या फिर जो इंटरनल अपग्रेडेशन होगा उससे पहले अपनी सीट को फ्रीज करना जरूरी है? जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आज की वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मैजिकल होने वाला है, क्योंकि राउंड 5th के लिए जो आपका विड्रॉल की डेट थी 25th, उस दिन जो भी सीट्स विड्रॉ हुई हैं उसकी जो वेकेंट सीट्स थी, उन वेकेंट सीट्स पे स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, जिसका 26th मतलब कि आज 5th राउंड में जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, उसमें काफी हाई चांसेस हैं कि आप लोगों की सीट या तो अपग्रेड हो गई होगी, या जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी ब्रांच या फिर कोई भी जैक का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो इस राउंड में जरूर अलॉट हो जाएगा। तो इस टाइम बेसिकली दो टाइप के बच्चे हैं। नंबर वन वो जिनको पहले से कोई ब्रांच मिली हुई थी और वो अब अपग्रेड होंगे, मतलब आज जो भी लिस्ट आएगी उसके अंदर वो अपग्रेड होंगे। दूसरे बच्चे वो जिनको आज पहली बार ही एडमिशन मिलेगा जैक के कॉलेजेस में, मतलब उनको ब्रांच और कॉलेज पहली बार अलॉट होगा। तो इन दोनों ही केसेस के बारे में बात करते हैं पूरे डेप्थ में। तो सबसे पहले वो बच्चे जिनको पहले से कोई ब्रांच मिली हुई थी, वो लोग अपग्रेड हुए हैं। तो यार आप लोगों को अपनी ब्रांच को फ्लोट पे ही रखना है। फ्लोट पे इसलिए रखना है, अगर आप लोग फ्लोट पे नहीं रखोगे, अपनी सीट को फ्रीज कर दोगे, तो इसके बाद जो इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड होने वाला है, जिसका रिजल्ट 31st को आएगा, उसमें आप लोगों की जो ब्रांच है या फिर जो कॉलेज है वो अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अभी अपनी ब्रांच को फ्लोट पे ही रखना, जब तक आपके मन में ये ना हो कि यार मैं इसी ब्रांच से संतुष्ट हूँ, मैं इसी में जाना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे वो बच्चे जिन बच्चों को पहली बार सीट मिल रही है, आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को इस बार सीट मिलने के बाद अगर जैक दिल्ली में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज के अंदर, आपने अगर अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करी हुई है, आपको पता है कि मेरे को इसके बाद जो मेरी प्रेफरेंस है, इसके ऊपर जो मैंने चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस रखी थी, उस प्रेफरेंस के हिसाब से इससे भी बेटर कॉलेज या फिर इससे भी बेटर ब्रांच मिल सकती है, तो आप लोग अपनी फीस को सबमिट कर देना जो भी टाइम लिमिट हो उसके अंदर, और अपनी जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारी चीज कंप्लीट करके ले जाना। आप लोग तभी आगे पार्टिसिपेट कर पाओगे इंटरनल अपग्रेडेशन में या फिर स्पॉट राउंड में। तो आप लोगों के लिए ये वाला राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी राउंड के बाद आप लोगों का डिसाइड होगा कि आप जैक दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, एक कैटेगरी वो जिनको अपनी ब्रांच पसंद आ गई होगी या जिस कॉलेज में उनको सीट मिली है वो पसंद आ गई होगी, तो आप लोग तो अपनी सीट वगैरह सब कुछ भर देंगे, फीस, और आप अपनी सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे वो बच्चे होंगे जिनको अपनी मनपसंद कॉलेज या फिर मनपसंद ब्रांच अभी तक नहीं मिली होगी। तो यार वही मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से भरी हुई है, आप अपनी चॉइस फिलिंग के हिसाब से श्योर हो कि मैं DTU की बायोटेक से DTU की मैकेनिकल में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं NSIT की केमिकल से NSIT की मैकेनिकल में जाना चाहता हूँ, आपको अगर अपनी चॉइस फिलिंग पे पूरा भरोसा है, तभी आप इसकी फीस भरना और आगे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि इस राउंड के बाद आपके लिए पार्टिसिपेशन का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा और इस राउंड के बाद ही आप लोगों के लिए सारी चीजें ओवर हो जाएंगी, अगर आपने इसके अंदर कोई भी चूक करी तो। अब एक बार जरा फ्रीज और फ्लोट के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, उनको लग रहा है कि हमें इंटरनल अपग्रेडेशन से पहले अपनी ब्रांच को फ्रीज कर लेना है। तो देखो फ्रीज एंड फ्लोट मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। सबसे पहले फ्रीज को समझते हैं कि एक्चुअली फ्रीज होता क्या है। देखो अगर आपको अपनी ब्रांच या फिर जिस भी कॉलेज में अभी आपको एडमिशन मिला है, आपको वो पसंद आ गई है, आप चाहते हो कि मैं इसी को लेना चाहता हूँ, यही मेरी ब्रांच है और मैं इसी से संतुष्ट हूँ, तो आप लोग अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग में कोई गलती कर दिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने DTU भरा और इस टाइम उनको DTU में सीट मिली हुई है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर DSEU की CS रखी हुई है, अब उनको लग रहा है कि यार मेरा तो DSEU में चला जाएगा और मैं जाना नहीं चाहता वहां की CS में भी, तो आप लोग अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपको DTU में ही रहना है और DTU की जो भी ब्रांच आपको मिली है आप उससे संतुष्ट है, क्योंकि आपने जो चॉइस फिलिंग में गलती करी है वो आपकी यहाँ पर महंगी पड़ जाएगी अगर आपने यहाँ पर अपनी सीट को फ्रीज नहीं करा, तो आप DSEU या फिर किसी और कॉलेज में, ईस्ट कैंपस, NSIT का वेस्ट कैंपस, ऐसे कॉलेज में भी जा सकते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं उन कॉलेजेस में, आपने जो अपनी चॉइस फिलिंग करी है, आप अपनी चॉइस फिलिंग को लेकर 100% कॉन्फिडेंट है, तो आप लोग फ्लोट पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे अच्छी ब्रांच इंटरनल अपग्रेडेशन में जरूर मिलेगी। अब आप लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया जो इंटरनल अपग्रेडेशन होगा
वो क्या सारे कॉलेज के बीच में होगा या फिर जिस कॉलेज में हमें सीट मिल गई है उसके अंदर होगा? तो यार इंटरनल अपग्रेडेशन पूरे जैक के जितने भी 4-5 कॉलेजेस है सबके अंदर होगा। मतलब अगर आपको DTU में कोई ब्रांच मिली हुई है उसके ऊपर अगर आपने NSIT की कोई ब्रांच रखी हुई है, अगर वहां पे सीट वेकेंट हुई NSIT में, तो आप DTU से NSIT चले जाओगे। तो मतलब ये जितने भी जैक के कॉलेजेस है सबका इंटरनल अपग्रेडेशन है और ये फाइनल इंटरनल अपग्रेडेशन है। इसके बाद डायरेक्ट आपका स्पॉट राउंड आने वाला है। स्पॉट राउंड में जो इंटरनल अपग्रेडेशन से भी बची हुई सीट्स होती हैं वो वेकेंट रह जाती हैं, वो मिलती हैं। तो अपनी सीट को विड्रॉ बिल्कुल मत करना ये सोच के कि स्पॉट राउंड में हमें इससे बेटर मिल जाएगी। स्पॉट राउंड में इससे बेटर नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पे। तो इंटरनल अपग्रेडेशन मतलब 31st of July फाइनल डेट होने वाली है आप लोगों के एडमिशन के लिए। उसके बाद जो स्पॉट राउंड है, जो भी उसके बारे में चीजें होंगी वो इस चैनल पे आपको पता चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं तुरंत वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल देता हूं और उससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाता है। आई होप आपको इतनी वीडियो आज की समझ आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वाले वीडियो के सारे कमेंट्स का जवाब दूं। प्लीज ऐसे कमेंट्स को अवॉइड करना कि भैया मेरी इतनी रैंक है मेरे को इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाएगी। यार ये चीजें बता पाना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है, तो ऐसे कमेंट्स को मैं इग्नोर ही करता हूं। लेकिन जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं जो मेरी नजरों में आते हैं उनको जरूर रिप्लाई करता हूं। तो आप लोग उसमें कमेंट करिए, मैं 100% इस वीडियो के सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। बाकी 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद हम लोग एक लाइव सेशन भी रखेंगे जिसमें 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर 5th राउंड एंड इसके बाद जो भी राउंड आने वाले हैं।